ये पागलपन है। जब कोई देश बिल्कुल पागल हो जाता है ना, तो फिर पाकिस्तान कहलाता है वो। किंतु शर्मनाक वाकया पेश आया जिसमें जाकिर नाइक ने आगे आगे देखिए होता है क्या। अब हुआ यह है कि इस वक्त ये वाला वाकया पूरे मीडिया पर चल रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के सरबरा राना मशहूद ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। जो बच्चों को, खवातीन लड़कियों को, यानी कि जिनकी उम्र मेरे ख्याल 15 साल, 14 साल, 12 साल या 16 साल होंगी, उनको अवार्ड देने के लिए उनको एक तकरीब में इनवाइट किया गया। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसमें बिल्कुल इनकार कर दिया और वो चले गए। दरअसल जाकिर नाइक पाकिस्तान में एक कार्यक्रम में पहुंचा था जहां अनाथ बच्चियों को अवार्ड दिया जाना था, लेकिन जाकिर नाइक भड़क गया कि स्टेज पर जैसे ही बच्चियां पहुंची, जाकिर नाइक पीछे से चला गया। बाद में नीचे जाकर वो आयोजकों पर भड़का। उसने कहा कि ये इस्लामिक सिद्धांतों के खिलाफ है और उसे बच्चियों को बेटियां कहने पर भी गुस्सा। डॉक्टर साहब जो है ना, वो यूं करके यूं और यूं दाएं बाएं देख रहे हैं और उसके बाद वो पीछे से पतली गली से होकर निकल गए, पतली गली से निकल गए, स्टेज से उतर गए। उन्होंने कहा कि हम इनको अवार्ड नहीं दे सकते और ना ही हम इनको अपनी बेटी कह सकते हैं, इसलिए कि ये भी हराम। उन लड़कियों ने क्या सोचा होगा, बगैर इनाम के वो चली गई। आपने उनको नहीं दिया, आपने लड़कों को दे दिया, आपने उनको शील्ड्स नहीं दी। ये औकात है आपकी नजर में फीमेल्स की? आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से पैदा हुए? माँ के बगैर आप पैदा नहीं हो सकते। तो जाकिर नायक ने क्या किया कि एक इवेंट था, उसके पर उनको बुलाया हुआ था कि वो मेहमान खसूसी बनकर स्पेशल गेस्ट के तौर पर बच्चों और बच्चियों को अवार्ड दें, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं एक कि वो जिस जगह पर बुलाया हुआ था उनको, वो कोई ऐसा हाई फाई वहाँ के कोई फीमेल्स या स्टूडेंट्स नहीं थे, बल्कि वो ऑर्फन स्टूडेंट्स, यानी ऐसी जगह पर कि जो उनके माँ बाप नहीं है और वो एक इदारे में पले बड़े हैं। और ये इदारा, ये भी बता दूँ, ये जो इंस्टीट्यूशन जहाँ के पे वो बच्चे रहते हैं, वो स्वीट होम है। और उसको पहले जो पीपल्स पार्टी के हुआ करते थे पॉलिटिशियन जमुरद खान, वो चलाते हैं। सबको पता है कि वहाँ पर वो वाला इदारा चलाते हैं। वहाँ के बच्चों को बुलाया गया और जाकिर नायक वहाँ पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर थे। उन्होंने तकरीर वकरीर कर ली, सब कुछ कर लिया। जब वो स्टेज पर लाया गया, लड़की और लड़कियों को जो कि 12, 13, 14 इस तरीके से इतने सालों के होंगे वो, तो उनको जब बुलाया गया बच्चों को कि जी इनको आपने ये शील्ड्स देनी है, तो मैं देख रही थी कि वो जब लड़के आए ऊपर तो वो ठीक थे, बड़े खुश हुए उन्हें देख के कि हाँ जी इनको जो है शील्ड्स देनी, मैं अवार्ड्स देनी। लड़कियों ने जैसे ही स्टेज पर आना शुरू किया, छोटी छोटी लड़कियां, वो मतलब ये कि 12, 13, 14 साल की, वो जैसे ही उन्होंने स्टेज पर आना शुरू किया तो डॉक्टर साहब जो है ना, वो यूं करके यूं और यूं दाएं बाएं देख रहे हैं और उसके बाद वो पीछे से पतली गली से होकर निकल गए, पतली गली से निकल गए, स्टेज से उतर गए। जाकिर नायक वॉकआउट कर गए, और वॉकआउट उन्होंने किसकी वजह से किया है, फीमेल स्काउट्स की वजह से। वहाँ पे जो फीमेल्स आई थी, जिनकी मैंने आपको उम्रें बताई हैं क्या हैं उनकी एजेस, 12, 13, 14, 15 इस तरीके से, भाई मेरा ख्याल है 14 तक भी मुश्किल, छोटी छोटी लड़कियाँ वहाँ पे थी। और उन्होंने क्या किया हुआ था कि फुल स्कार्फ लिए हुए थे। देखें, वो इसलिए उन्होंने वॉकआउट किया, पहले आप ये जान लें, उन्होंने वहाँ से वॉक अवे इसलिए किया कि पता ये चला कि उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो इन लड़कियों को अवार्ड नहीं देंगे। इसकी वजह यह है कि ये उनके लिए नामहरम है। नामहरम यानी वो रिश्ता जिससे शादी हो सकती है। अब नामहरम की भी अपनी ही एक तशरीह है, क्या करें हम इसके ऊपर, ये तशरीह यही है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, मैं क्या करूं। नामहरम वो रिश्ता जिससे शादी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो बच्चियां आई हैं 10-12 सालों की एज है इनकी, ये नामहरम है, यानी ये कि वो उनसे शादी हो सकती है, तो इसलिए वो स्टेज से उतर के वॉकआउट कर गए, पतली गली से निकल गए। कैन यू इमेजिन, दिस इज़ अनबिलीवेबल। अच्छा, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक के प्रोग्राम्स में जब वो लेक्चर्स देते हैं, उनके प्रोग्राम्स में जो लोग आते हैं वो तो फॉरेनर्स, लड़कियाँ विदाउट दुपट्टा एनीथिंग, वो वैसे ही जैसे वहाँ पे सामने खड़े होते हैं, वो उनको क्यों आने देते हैं आप उनको क्यों वो तो सवाल करते हैं, आप बड़े मज़े से जवाब देते हैं। कोई गैर मुस्लिम आ जाए, नॉन मुस्लिम इनके पास हो और इनको ये पता चल जाए कि ओहो इसको तो हम मुसलमान कर सकते हैं, तो देखिए इससे मैं मुकालमा करता हूँ। बात यह है कि वो भी तो नामहरम होती है लड़की,
वो भी तो उसके साथ भी बात नहीं करनी चाहिए, जो आपके हमने देखा है कई दफ़ा इनके प्रोग्राम्स में, जो बड़े बड़े हॉल्स होते हैं जहाँ पर ये करते हैं, वहाँ पे भरे होते हैं ऐसे लोग, और उसमें लड़कियाँ भी होती हैं अपने अपने जो मर्जी हो पहन को, ये तो नहीं होता कि वो बुरका पहन के आती हैं। और क्या वो आपके लिए नामहरम नहीं होती? उनको तो आप पूरी तरीके से जवाब देते हैं, उनके साथ डिबेट करते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ चलता है वहाँ पर, उनको तो आप कुछ नहीं कहते। ये बेचारी छोटी छोटी यतीम लड़कियाँ, कैन यू इमेजिन? आप यही सोच लेते हैं कि ये कोई खाते पीते घरों की कोई ऐसी नहीं है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो उनको बुरा नहीं लगेगा या उनका हार्ट ब्रेक होगा, उनका दिल टूटेगा इनका। आप सोचें कि जब उनको बताया गया होगा उन बच्चियों को कि भाई तुम्हें इसलिए उस बंदे ने, वो जो गेस्ट आया हुआ और जिसको तुम इतना ज़्यादा, जिसकी पूजा करती हो या जिसका तुम इतना ज़्यादा उसको मानती हो, जाहिर उनको बताया गया होगा ना, उनको सुनवाए जाते होंगे लेक्चर्स वगैरह, तो उनको जब ये पता चला होगा कि ये जो है जाकिर नायक साहब इसलिए पतली गली से निकल गए हैं, वॉकआउट कर गए हैं हमारे, क्योंकि वो हमें इनाम नहीं देना चाहते थे, हमें अवार्ड नहीं देना चाहते थे, कैन यू बिलीव इट? उनके दिल कैसे टूटा होगा, वो तो हैरान और परेशान। फिर उनको बताया होगा, बताया गया होगा असल में आप लोग नामहरम हैं, फिर उनको बताया गया होगा कि ये नामहरम का मतलब क्या है, वो उस उम्र में तो उनको नहीं पता होगा। अच्छा, अब अगर वो नामहरम है, सोचने की बात यह है, तो ये है ना उस रिश्ते का मतलब, ये ना कि उससे शादी हो सकती है, तो आपने शादी तो नहीं करनी थी उनसे, तो इसका मतलब है कि जितने भी लोग वहां पर थे उन सबको उनके सामने नहीं आना चाहिए था, और सब कहते कि हम इन बच्चियों से नहीं मिल सकते। यहां पे जाकिर नायक को कह रहे हैं कि ये इस्लाम का चैंपियन है। देखो, जो आपका जो भी धर्म हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, जो भी कुछ हो, आप उसको काम धंधे से दूर रखो यार। और पाकिस्तान में बेड़ा गर्की इसलिए हुआ है, बेड़ा गर्की, ये रिलीजन के लेंस से दुनिया को देखते हैं, इसलिए इनको जूते पड़ते हैं। अब जाकिर नायक को स्टेज पर बुलाया, ये देखो एक कहानी है यार इसमें, पता नहीं क्यों इस पगलेट को, आई डोंट नो, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने पाकिस्तान स्वीट होम करके बुलाया कि जो यंग लड़कियां थी उनको, ये ऑर्फनेज है यहां पे, जो जो लड़कियां हैं दे आर ऑर्फन्स, यानी कि वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, तो वो ऑर्फनेज में हैं वो बच्चे, तो उनको शील्ड या प्राइज प्रेजेंट करने के लिए एक तो बच्चों के सामने जाकिर नायक को क्यों, जाकिर नायक शुड बी इन जेल, वो तो इंडिया में नहीं है, वरना निपटा दिया जाता है अभी तक, इसका कर देते काम अभी तक भारत में होता तो। पर पाकिस्तानियों ने बोला कि नहीं हमारी ये देखो ना, ये पागलपन है, जब कोई देश बिल्कुल पागल हो जाता है ना तो फिर पाकिस्तान कहलाता है वो। आप अपनी नई नस्ल को जाकिर नायक से मिलवा रहे हो, उसने बेइज्जती कर दी सबके सामने, पाकिस्तान स्वीट होम करके ऑर्फनेज है, बोला कि स्टेज पर आइए, डॉक्टर जाकिर नायक जो इस्लाम के बहुत बड़े प्रीचर हैं, जो समझ रखते हैं इस्लाम की, वो बच्चों को, उसने बोला ये लड़कियां बेमहरम हैं, यानी कि दे आर अनरिलेटेड टू मी, वो स्टेज से नीचे आ गया। यह भी डॉक्टर जाकिर नायक का बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा है। जब उसको बुलाया था फंक्शन में, क्या उसको नहीं बोला था, क्या उसको यह नहीं बोला कि सर आप, क्योंकि होता है लोगों के मैनेजर होते हैं और मैनेजर्स को बताया जाता है कि आप इस फंक्शन में जाएंगे, ये होगा, इस वक्त आप स्टेज पर चढ़ेंगे, आपको ये बोलना है, फिर आप यहां से मुड़ के इन तीन सीढ़ियां लेकर आप नीचे वापस अपने यहां पर आ जाएंगे, यहां पर लोग फोटोग्राफ होता है यार, हम भी जाते हैं फंक्शन में, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बिफोर हैंड, आपको पता है आप कहां जा रहे हैं। दोस्तों, जाकिर नायक के हवाले से मैं बात करना चाहता हूं कि इस्लामाबाद में एक रिसेप्शन थी जिसमें कुछ बच्चों को अवार्ड्स देने थे। पहली तो बात है, मुझे इस चीज की समझ नहीं आई कि जाकिर नायक की क्या क्रेडेंशियल्स हैं कि उनको उनके जरिए बच्चों को अवार्ड दिए जाएं, उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है उनसे अवार्ड लें। एक इंतहाई शर्मनाक वाकया पेश आया जिसमें जाकिर नायक ने जो बच्चों को, खवातीन लड़कियों को, यानी कि जिनकी उम्र में रहा 15 साल, 14 साल, 12 साल या 16 साल होंगी, उनको अवार्ड देने के लिए उनको एक तकरीब में इनवाइट किया गया, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसमें बिल्कुल इनकार कर दिया और वो चले गए। उन्होंने कहा है, मैं खवातीन इन लड़कियों को, खवातीन इन लड़कियों को, इन 15-14 साल की लड़कियों को मैं अवार्ड नहीं दूंगा। जब वो चले गए तो जो वहां पे इंतजामिया थी वो बड़ी शर्मिंदा हुई। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने कहा जी ठीक है ऐसे करें, बॉयज स्काउट्स को आप अवार्ड दे दें, गर्ल्स स्काउट्स को अवार्ड ना दें। अच्छा, मुझे तो ये समझ नहीं आई, पहले बात आपको पहले दिन से हम एक चीज कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि शर्मनाक बात यह है
कि क्यों उनको इनवाइट किया गया और क्यों प्राइम मिनिस्टर उनको मिल रहे हैं अगर वो आ भी गए हैं तो व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस। मैंने आपको पहले कहा था कि अमूमन जो राइट विंग इस्लामिस्ट होते हैं या राइट विंग इस्लामिस्ट ये जो क्लैरिक्स हैं इनकी समझ नहीं है कि ये क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे पाकिस्तान की सोसाइटी में। ना तो ये सऊदी अरब से आए हैं, ना ये ईरान से आए हैं, ना ये किसी ऐसी जगह से आए हैं। ठीक है, लोगों की एक एफिलेशन होती हैं, चलो सऊदी अरेबिया से वहां से इमाम काबा आ गए या मदीना से लोग आ गए तो आप एक यू फील ओब्लाइज्ड के जी ठीक है होली प्लेस से लोग आए हैं, एक एक पाकिस्तान के अंदर है। अब क्वेश्चन ये है कि अब वो पाकिस्तान की यंग लड़कियां जो कि 16 साल 15 साल की जिनका मुस्तकबिल होना चाहिए कि वो गूगल के लिए काम करें, जिनका मुस्तकबिल ये होना चाहिए कि वो माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करें, जिनका मुस्तकबिल ये होना चाहिए कि वो एप्पल के लिए काम करें, अगर उनको ये अवार्ड देने की कोशिश की गई और दिलवाने की कोशिश की गई और उसके लिए आपने जाकिर नायक साहब का इस्तेमाल करने की कोशिश की और उन्होंने उसको इनकार कर दिया और उन्होंने कहा इन 14 साल की लड़कियों को मैं अवार्ड नहीं दूंगा, इट मींस कि वो कह रहे हैं कि आप खवातीन को मेरे सामने ना लेके आए। ठीक है जी, भाई खवातीन को आप लेके जा रहे हैं उनके सामने और खवातीन में भी यंग लड़कियों को लेके जा रहे हैं, क्या मैसेज दिया आपने, क्या जाकिर नाइक ने मैसेज दिया है, क्या पाकिस्तान की इसमें इंसल्ट करवाने की कोशिश की गई। हमारी हुकूमतें क्यों आज के जमाने में ये समझती हैं कि शायद इस तरह के जो फायर ब्रांड क्लैरिक हैं उनको अगर हम लेके आएंगे तो हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा। ठीक है जी, अब जाकिर नाइक जो हैं क्या उन्होंने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वाले से काम किया है, क्या उनका कोई इंस्टीट्यूट है जिन्होंने इस्लामिक जिन्होंने साइंस के वाले से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन की है, क्या उनका कोई ऐसा अदारा है जिसने ये किया है कि वो मुस्तकबिल में या अभी कोई इंटरफेथ डायलॉग या इंटरफेथ हार्मनी के वाले से काम किया है, क्या काम किया है। बाद इन्होंने जो गर्ल्स स्टूडेंट्स थी या बच्चियां थी उनको अवार्ड देने से मना कर दिया, उनका कहना ये था कि जी हम इनको हाथ नहीं लगा सकते, तो सर अपने अवार्ड ऐसे देना था ना, कोई झप्पियां थोड़ी डालनी थी, लेकिन खैर उन्होंने कहा कि जी हम इनको अवार्ड नहीं दे सकते और ना ही हम इनको अपनी बेटी कह सकते हैं, इसलिए कि ये भी हराम है, यानी कि बच्चियों को अवार्ड देना भी हराम है और बच्चियों को बेटी कहना या अपनी बेटी बोलना या उनके ऊपर जैसे कहते हैं कि शफकत से उनके सर पे हाथ रखना और कहना कि जी हमारी बच्चियां हैं, ये कहना भी हराम है। अब वो तो सब ठीक है, लेकिन जब ये बैठे टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू देने जहां पर फीमेल टीवी एंकर्स थी, तो वहां पे इनको ख्याल नहीं आया कि किसी नामहरम के साथ बैठ के इंटरव्यू देने हैं और एक एक घंटे उनके साथ बातें कर रहे हैं, तब वो महरम और नामहरम वाली नौटंकी कहां गई पता नहीं।